ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। हम कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं ठगों के महाठगों का पर्दाफाश करने के लिए। जी हाँ, ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गौर से देखिए इसको। इसका नाम है अभिषेक सोनी, पुत्र कुलदीप सोनी, थाना नौबस्ता हंसपुरम। पेशा ठगी करना, लोन के नाम पर लोगों को करते हैं परेशान, लोन के नाम पर करते हैं ठगी। अभी दूसरा चेहरा देखिए, ये हैं ऋषभ सोनी। तीसरा चेहरा देखिए, ये हैं ठगी में शामिल अभिषेक सोनी के पिता कुलदीप सोनी। दो पीड़ित महिलाओं ने हमारे चैनल के माध्यम से इन ठगों का खुलासा किया। आशा पत्नी कृष्ण कुमार, जिनसे 13,75,000 की ठगी हुई लोन के हवाले से। दूसरी सुलोचना पत्नी छोटे पासवान, जिनसे 2,75,000 की ठगी की गई। इसमें पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग, महिलाओं ने बताया, और बैंक भी है शामिल इस ठगी में। SBI की शाखा PPN मार्केट से टॉपअप करा, लोन निकाला गया एडवांस चेकों के माध्यम से, और स्टाम्प पेपर के हस्ताक्षर करवा के कुछ भी लिखकर मांगते हैं उल्टा पैसा। कहते हैं आपको कर्ज दिया है हमने, नहीं देने पर करते हैं मुकदमा। पीड़ित महिलाओं ने आप बीती सुनाई, आइए सुने ठगी गई महिलाओं के माध्यम से यह खबर हमारा चैनल प्रसारित कर रहा है, आइए सुने उनकी आप बीती। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लक्ष्मीपुरा की निवासी हूँ। क्या आपका मामला हुआ है जिसके लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो? जी मामला मेरा ये हुआ था कि एक मतलब लोन के नाम पर ठगी करी गई है। लोन दिलाने के बहाने जबरदस्ती का लोन करा दिया, मना करने के बावजूद भी वे लोन करा दिया गया, और उसके बाद सारे पैसे निकाल लिए गए। 13,75,000 का लोन हुआ, और लोन के साथ साथ जो हस्बैंड की मेरी सैलरी आई वो भी निकाल लिया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कहाँ पर? यहाँ एजुकेशन निकाल लिया। तो मेरा पूछने का मकसद ही, आपके हस्बैंड एक सरकारी नौकरी है, तो उन्हीं के ब्याह पे ये लोन करवाया था आपने, तो ये लोन जिसने करा था वो कहाँ रहता, क्या नाम है उसका, और कितने रुपए की ठगी करी फिर से बताइए। ये जो है जिसने लोन दिया था वो रहता है नौबस्ता हंसपुरम, और उसका नाम है अभिषेक सोनी, उसके पिता का नाम कुलदीप सोनी है, दोनों बाप बेटे ही महाठग। और ये जो है लोन कराने के बहाने सबको दिखाता है, प्रॉपर्टी का काम दिखाता है, लोन का काम दिखाता है, और लोन कराने के बहाने लोन करा के सारे पैसे खुद निकाल लेता है, बैंक के नाम पर चेक ले लेता है, फिर उन्हीं चेकों को मिसयूज करता है। कितने की ठगी हुई आपके साथ? मेरे साथ तो 13,75,000 पूरे पैसे लिए। आपने इसके लिए कहाँ कहाँ शिकायत करी, और क्या अभी तक आपको आश्वासन मिला इस केस में? मैंने इसके लिए नौबस्ता थाने में गई, वहाँ पर जो है मैंने बताया कि मैं यहाँ एसएसपी ऑफिस भी गई, मतलब आप समझिए पुलिस का जितना भी ऑफिस है मैंने कोई नहीं छोड़ा, मैंने अपनी कार्रवाई भी करी, बैंक में भी मतलब प्रार्थना पत्र दिया, सब जगह से मुझे नौबस्ता थाने से तो पुलिस वालों ने भगा ही दिया। रात को 2 बजे तक बैठा ले रहे, बोले सुबह 11 बजे आना, फिर 11 बजे गए, सारा दिन बैठा ले रहे, कोई मतलब रिप्लाई नहीं दिया। जो कि ये घर छोड़ के भाग रहा था इसको, तब भी हम लोग ने रात में पकड़ा, हमारे साथ और भी कई लोग हैं वो सब साथ में गए, उसके जो है जो लोग सामान ले जा रहे थे हम लोग को पकड़ाया, थाने भी ले गए, तभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके बाद जो है इन लोग ने मतलब दौड़ाया, करीब हम लोग को 10 दिन दौड़ाया थाने वालों ने, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, बस यही कहते रहे ठीक है सुन रहे हैं कर रहे हैं। उसके बाद मुझे फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जो लोन हुआ उसकी क्या किस्तें भी भर रही है अभी आप? जो लोन हुआ था उसकी किस्तें जा रही थी, बट अब मैं अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रही हूँ, बैंक वाले भी दबाव प्रेशर बना रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने मना नहीं किया है, मैं किस्त दूंगी, बट
मेरा जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा, इसका मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं दूंगी। तो कहने का मकसद ये, जो रुपया आया था तो आपने जैसे भी बताया कि मैं किश्तें भर रही थी, तो क्या कुछ उसमें रुपया आपको मिला था कि पूरा पूरा रुपया उन्होंने लिया? रुपया नहीं मिला था, पूरा रुपया निकल गया। इन्होंने अपनी मर्जी से टॉपअप कर दिया। एक्चुअली जिस ब्याह पे मेरा लोन होना था, उस ब्याह पे कोई इन लोग ने लोन नहीं किया, और लोन करने के बावजूद, मतलब इन्होंने जब मेरे हस्बैंड के साइन सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, तो हस्बैंड ने मेरे बताया कि इतनी किस्त बन रही। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी, लोन मना कर दीजिए। उन्होंने जब मना किया तो बैंक मैनेजर ने भी इनसे बहस करी, फिर बैंक मैनेजर ने किसी को कॉल करी अपने फ़ोन से कि कैसा क्लाइंट भेज देते हैं, वो लोन लेने से मना कर रहा है। मैं ऑन फोन पर थी, मैं सुन रही थी, और मैं बार बार बोल रही थी बैंक मैनेजर से मेरी बात कराओ। बैंक मैनेजर ने कहा मुझे बात नहीं करनी है किसी से भी, और आप जाइए। मैंने इनसे कहा डॉक्यूमेंट्स मांग लीजिए, तो बैंक मैनेजर ने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, बोले जहाँ से मुझे कागज़ मिले थे आप वहीं से ले लीजिएगा। तो कौन सा बैंक था जिस बैंक में आप गए थे? SBI बैंक, PPN, शाखा PPN मार्केट। तो अभी किस्तें आप नहीं भर रहे हैं वहाँ पे? समय में प्रेजेंट टाइम में किस्त नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें बैंक की भी मिली भगत है। कोर्ट का सहारा लिया, वहाँ से क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? कोर्ट का मैंने सहारा लिया, तब जाके मुझे जो है अब मेरा मतलब FIR का आदेश हो गया है। FIR हो गई है नहीं हुई है पुलिस वाले वो भी नहीं बता रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम चला कि FIR आपकी हो गई है कोर्ट के जरिए? यहाँ से जब आदेश हुआ, जज साहब ने आदेश किया, वहाँ गया और मैं वहाँ गई भी, वहाँ ये कह के बता दिया कि साहब है नहीं, बाद में आई। अब जो भी था वहाँ पर मैं उसको नहीं जानती हूँ। अब इतना बड़ा थाना है, कौन बैठा रहता है, कौन है, वो तो नहीं बोलेगी। अब फिर आना, जब आएंगे साहब तब आना। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग के साथ, हमारे साथ और भी लोग साथी हैं जो उसके ठगी का शिकार हुए हैं, उन सबको इंसाफ मिले। आप मतलब उसके थ्रू हम इंसाफ चाहते हैं, और इसका पूरा गिरोह है, गैंग है, और ये अकेला नहीं है। इसके गिरोह में कम से कम 15-20 लोग शामिल हैं, जिनको मैं, कुछ लोगों को तो मैं खुद ही 8-10 लोगों को पहचानती हूँ। इन्होंने करके बहाने से बात करने के बहाने मैनेजर के पास जाना है, गाड़ी में ले गए, रात में छोड़ा, रात को कभी 10 बजे छोड़ा उनको, सन्नाटे में छोड़ दिया, ऊपर से धमकाया कि अगर कहीं जाओगी कुछ करोगी तो इनको जान से मार देंगे। मतलब बहुत सारा वो किया। हम लोग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इसलिए वो शांत हो गए, और उस चक्कर में मैं बीमार भी बहुत हो गई। बहुत सारी ऐसी हुई दुर्घटनाएं हम लोग के साथ, लेकिन जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तब मैंने कोर्ट का सहारा लिया। क्या नाम है आपका, क्या मामला है जो आज आप यहाँ कचहरी में आए हुए हैं? मेरा नाम सुलोचना है, मेरे हस्बैंड का नाम छोटे पासवान है, मैं दलेलपुर की निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड टेंट लगाने का काम करते हैं। अभिषेक सोनी हंसपुरम का रहने वाला है, उनसे मेरे हस्बैंड ने लोन कराया था, तो उसने एडवांस में 51,000 ले रखे थे पैसे। फिर उसने लोन कराया, लोन कराने के नाम पे उसने 3 हस्ताक्षर की हुई चेकें ले ली, 9 चेकें उसने और ली, कि उसी चेक का ये दुरुपयोग कर रहा है। हमारे हस्बैंड ने 12 तारीख को हमारा, 11 मार्च को हमारा पैसा लोन आया हमारे अकाउंट में, हमने उससे 10,000 निकाले 11 मार्च को। 12 मार्च को हमारे उसने 18,000 अभिषेक सोनी ने डाले, और फिर उसने अमाउंट पूरा करके 2,00,000 हमारे अकाउंट से निकाल लिए। फिर हमने उसको फ़ोन किया कि हमारा पैसा आपने क्यों निकाल लिया, तो बोलता है कि ये पैसा हमारा है, हमने लोन कराया है, हमारा गारंटर लगा, ये पैसा हमारा होता है, आपका पैसा नहीं होता है। तो बोला कि आइए आप हमारे पास, अपना हिसाब कराइए, अपना लोन बंद कराइए। हम लोग 13 तारीख को गए, तो उसने, हमने उससे बात करी कि हमारा पैसा वापस कीजिए। बोलते हैं यहाँ पर अगर दोबारा पैसा मांगने आप लोग आए, ये पैसा हमारा, हम देंगे नहीं। हमको दोनों आदमी को बंधक बना लिया, मारपीट की। फिर हमने कहा कि हमारी जो चेकें हैं वो चेकें हमारी वापस कर दीजिए, तो बोलता है वो चेकें हमने बैंक में लगा दी, ये बोलता है। तो हमने कहा कि चेकें वापस अपने बैंक में लगा दी हैं, ये सन 2022 में भेज रहा है नोटिस 10,00,000 की, और इसका हमारा कोई लेन देन नहीं है, फिर भी ये अपने मुँह से उसने हाई कोर्ट में जिक्र किया। पुलिस प्रशासन के पास आप गए, पुलिस में गए, तो आपको क्या बोले? प्रशासन के नाम पे गोविंद नगर विकास पांडे जी जात विवेचना कर रहे हैं। हमारी FIR हो गई है 18 मई को सन 2021 में, तो ये अभी तक न गिरफ्तारी करी है, न कोई आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। हम लोग बार बार जाते हैं वहाँ ऑफिस में भी, CO ऑफिस, तो बोलते हैं कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक आपकी चार्जशीट नहीं लगेगी।
हमने कहा कि जब तक यहाँ पे था सर तब तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, मकान भी बेच के भाग गया है, अब क्या होगा? तो बोलते हैं वो जब होगा जब हमारे हिसाब से होगा, हम पकड़ेंगे उसको। तो पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी, जनता के हिसाब से काम नहीं करेगी? नहीं, अपने हिसाब से काम करेगी, जनता के हिसाब से नहीं करे। हम लोग जाते हैं निराश होके आ जाते हैं। कितना टाइम हो गया इस आपके प्रकरण को? एक साल हो गया, सन 2021 की FIR हमारी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट से आपको कहां तक, आपको अभी तक कोर्ट में भी एक अप्लीकेशन दी थी तो बोल रहे कि साथ संलग्न नहीं है, हमारे पास गवाह नहीं है, इसकी वजह से चार्जशीट नहीं लग रही है। हमने अपनी पासबुक, इस बैंक स्टेटमेंट सारे प्रूफ हमने दिए हुए हैं। कितने लाख रुपए का मामला है आपका? हमारा 2,51,000 का है। आप क्या चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहते हो? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहने चाहते हैं कि ये जहाँ कहीं भी हो इसको मतलब सच से सच इसको सजा मिली है, जो और है हमारे उसके मतलब उसके गिरफ्त में दोबारा ना फंस पाए कोई भी, जो हम लोग बहुत बेसहारा हो सके। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि हम उधर लाभी 12 ये होली के टाइम पर उसने मैसेज भी किया था और लगातार वो धमकी भी दे रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज की, फर्जी नोटिस दे रहा है कि आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। हमने एक एप्लीकेशन वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र दिया है गोविंद नगर में भी, तो बोलते हैं इसकी कार्रवाई करेंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा उसके बयान नहीं होंगे तब तक हम उसके चार्जशीट नहीं लगाएंगे, ये बोल रहे हैं विकास पांडे। हम लोग जाते हैं परेशान होकर आ जाते हैं, बोलते हैं आप जाइए परेशान नहीं, आपका काम हो जाएगा। एक साल से पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हमने 1076 में भी कॉल किया था तो उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई है कि सच विवेचना मतलब प्रचलित है, सच ये संलग्न करके हम जल्दी दो स्कूल संपन्न इसका हमला समाप्त करेंगे।